हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुपुर दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को होम्योपैथी के लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं कोई भी होम्योपैथी या हेल्थ के बारे में कुछ भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। लाइकोपोडियम एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है और जब हम डीप एक्टिंग मेडिसिन किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेंटल और उसका फिजिकल सिम्टम जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिजिकल सिम्टम में आता है कि मतलब कौन कौन से पार्ट में या हमारे ऑर्गन में ये बहुत अच्छा काम करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइकोपोडियम स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक या मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन पे बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जानना क्यों ज़रूरी है या कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम कैसे उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को पहचाने। जैसे लाइकोपोडियम का पेशेंट बहुत लीन थीन होता है और दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन शरीर से बहुत वीक होता है और कंफ्यूज्ड भी रहता है ये, या आप कहें तो लैक ऑफ लव उसके लाइफ में होता है। जैसे बचपन से जो उसने, हो सकता है जब बड़े हुए हैं तो उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके वो लाइफ में आगे बढ़ा है, तो जिस कारण से वो सेल्फ मेड भी होता है कि अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का भी एक उसमें वो रहता है कि उसे खुद अपने आप शायद बचपन से बहुत स्ट्रगल करके खुद अपने आप लाइफ में बड़ा हुआ है, ऐसा उसका वो रहता है। उसका उसे मीठा बहुत पसंद होता है, पसंद मतलब क्रेविंग उसको रहता है। अच्छा, ठंड से ये बहुत घबराता है, जो भी खाना खाना पसंद करता है वो गर्म खाना खाना पसंद करता है। पेशेंट के जो भी कंप्लेन होते हैं वो ऑलमोस्ट उसने कहता है कि मुझे शाम के 4 बजे से लेके शाम के 8 बजे के बीच में ही उसके सारे कंप्लेन स्टार्ट होते हैं ज़्यादातर। और लाइकोपोडियम एक राइट साइडेड मेडिसिन भी है कि उसको जो भी परेशानी, अगर लीवर में प्रॉब्लम हो रही है या किडनी में प्रॉब्लम हो रही है तो वो राइट किडनी में ही होगी, या उसका अगर थ्रोट में प्रॉब्लम है तो राइट थ्रोट में ही प्रॉब्लम होगी, ये सारा प्रॉब्लम उसको जनरली राइट साइड में ही होते हैं। अब आते हैं हम इसका मेंटल सिम्टम पे। मेंटल सिम्टम में क्या होता है ना कि पेशेंट इंटेलिजेंट, मैंने पहले ही कहा कि वो इंटेलिजेंट तो बहुत होता है लेकिन वो उदास रहता है, ज़्यादातर टाइम उसकी उदासी में निकलती है, या सुबह जब भी बिस्तर से उठने के बाद ही वो खुश दिमाग से नहीं उठ पाता है, उसके दिमाग में सैडनेस रहता है, कंफ्यूज रहता है, वो कोई भी वर्ड लिखने से पहले, स्पेलिंग लिखने से पहले बहुत घबराता है कि मैं ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, और बार बार उसको लिखने की कोशिश करता है, तो जो होता है ना कॉन्फिडेंस की कमी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये अकेला रहना नहीं चाहता है और कहीं पब्लिक प्लेस में भी जाना नहीं चाहता है, और कोई पार्टी फंक्शन में भी वो जाने से कतराता है। अगर उसको घर में अकेले रहने के लिए बोलो तो वो अकेला नहीं रहेगा, वो चाहता है कि उसके साथ कोई ज़रूर घर के अंदर साथ में उसका रहे, तो इस तरह का उसका मेंटल होता है। और हम जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा मेंटल सिम्टम जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम फिजिकल सिम्टम पे जोर देते हैं उस तरह मेंटल सिम्टम के ऊपर भी जोर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई मेंटल आपको कंडीशन देखने को मिले, किसी पेशेंट में बात करने से आपको पता चले कि ये सिम्टम उसमें दिख रहे हैं मेंटल, तो आप लाइको उसमें, हाँ, अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट आता है।
अच्छा, लाइकोपोडियम एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। तो पॉलीक्रस्ट मेडिसिन होने से क्या होता है कि ये पॉलीक्रस्ट मेडिसिन मीन्स बॉडी के हर पार्ट में या हर ऑर्गन में इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। लेकिन हमारे ये जो छोटे से वीडियो है इसमें हम इतना ज़्यादा डिटेल्स तो आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा हम लोगों की प्रैक्टिस लाइफ में हम लाइकोपोडियम जहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन विषय में आप लोगों को मैं बता दूँ। जैसे सबसे पहले कि ना डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है, मेल ऑर्गन के ऊपर बहुत अच्छा काम होती है, फीमेल ऑर्गन पे बहुत अच्छे काम करते हैं। इसके स्किन के ऊपर भी अगर हम ऐसे सिम्टम मिले तो स्किन पे भी हम अगर इस पर अप्लाई करते हैं तो स्किन में भी ये बहुत अच्छे काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइको का जो सबसे बड़ा कंप्लेन होता है कि वो पेशेंट आके ही बोलता है इसकी उसकी सारी प्रॉब्लम्स 4 से 8 के बीच में होते हैं, और उसके पेट बिल्कुल फुला फुला सा रहता है, खाना भूख तो उसको बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन वो ज़्यादा खा नहीं पाता है। एक आधा रोटी खाने के बाद ही उसका पेट बिल्कुल गले तक भर आता है कि उसको लगता है जैसे मेरा खाना बिल्कुल गले तक उठाएगा, और पेट के अंदर एक अफारे जो बोलते हैं या फर्मेंटेड टाइप के होते रहते हैं, एक हार्ट बर्न जो होते हैं वो भी होती है, मुंह पूरा टाइम उसका एक बिटर सा कुछ भी खाता है तो मुंह एकदम कड़वा सा बना रहता है, बिटर हुआ रहता है। तो ऐसा अगर आपको दिखता है तो आप वहाँ पे लाइकोपोडियम अगर 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कई दिनों तक दें तो देखिए बहुत अच्छा आराम उसको आ जाएगा। अरे इसका स्टूल भी बहुत हार्ड स्टूल होते हैं या बार बार जाने की इच्छा इसमें बनी रहती है, और जिसमें पाइल्स का भी प्रॉब्लम्स कभी कभी देखने को मिल जाता है। लाइकोपोडियम में भी पाइल्स का प्रॉब्लम अगर होता है तो वहाँ अगर हम लाइकोपोडियम यूज़ करें तो बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं जैसे यूरिनरी ट्रैक के ऊपर, यूरिनरी जब ये यूरिन पास करते हैं तो उसको जो बैक में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं और फ्लो जो होते हैं बहुत धीरे धीरे उसका फ्लो आता है, और पॉलीयूरिया भी जो बोलते हैं मतलब बार बार यूरिन जाने की इच्छा भी इसमें होती है, और अगर यूरिन में ब्लड के जैसा दिखे या जैसे लाल लाल अगर उसमें सेटलमेंट दिखे तो आप उसमें आँख बंद करके लाइकोपोडियम दीजिए, देखिए बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। इवन बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं वो भी यूरिन पास करने के समय में अगर रोता है तो आप उसमें लाइकोपोडियम 30 वैसे ही दिन में 3 बार 4-4 बूंद करके दीजिए। अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उसे 2 बूंद दीजिए, देखिए बहुत जल्दी इसमें आराम आ जाएगा। अच्छा, मेल ऑर्गन के ऊपर क्या होता है कि इसका इरेक्टाइल पावर बहुत कम होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हुआ रहता है, इम्पोटेंसी का एक प्रॉब्लम्स इनमें रहते हैं या प्रीमैच्योर इमोशंस का एक प्रॉब्लम रहते हैं। तो अगर मेल में ऐसा कुछ सिम्टम दिखे तो आप उसमें लाइकोपोडियम दीजिए, देखिए बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और फीमेल ऑर्गन में भी बहुत अच्छा काम करता है। फीमेल ऑर्गन में क्या होता है, जो राइट साइड की ओवरी होती है वहाँ एक पेन रहती है या उसकी जो मेंसेस आती है तो बहुत लेट आती है और जो होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग तक बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं, वजाइना बहुत ड्राई हुआ रहता है, वजाइना में एक इचिंग रहती है और एक ल्यूकोरिया जो होती है उसमें भी एक जलन वाली ल्यूकोरिया होते हैं, ऐसे में अगर आप वहाँ पे लाइकोपोडियम दीजिए देखिए बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। वैसे 30 पोटेंसी में देना है और दिन में 3 बार 4-4 बंद करके, तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होते हैं तो बहुत जल्दी इसमें से आपको निजात मिल जाएगा। इसके एक एक्ने का भी प्रॉब्लम रहते हैं, फेस में इरेप्शन पिंपल्स भी निकलते रहते हैं। अच्छा, जो भी एक्ने या पिंपल्स होते हैं उसमें वायलेंट इचिंग होते हैं। अच्छा, इसके स्किन भी ना बहुत मोटे और थिक
टाइप के हो जाते हैं। और इसको सोराइसिस का एक प्रॉब्लम्स रहती है, एक क्रॉनिक एक्जिमा का कंप्लेन रहता है। तो इस तरह का अगर कोई पेशेंट आपको दिखे या पेशेंट में मिलता है तो आप इसको लाइकोपोडियम दे सकते हैं, देने से इसमें बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अच्छा, लाइकोपोडियम को ध्यान देना है कि ये एक तो सारा कंप्लेन जो भी होते हैं उसकी जो एग्रावेशन होती है वो शाम के 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच का ही बताते हैं कि वो सारा कंप्लेन उसको उस समय में होता है। मिडनाइट में थोड़ा सा उसको आराम होते हैं। तो इस तरह का अगर कुछ भी कंप्लेन ऐसे पेशेंट आप दिखते हैं तो आप इसमें लाइकोपोडियम यूज़ कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो आज यहीं तक वीडियो में, फिर नेक्स्ट किस वीडियो में आगे, तब तक के लिए।